वेलकम टू टेक जी दोस्तों, आपका अपना अवसर पास भाई। आज हमारे पास मौजूद है ओप्पो फाइंड N2 भाई, फोल्डेबल स्मार्टफोन है ये। ओप्पो का फाइंड N सीरीज का भाई नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन है। और दोस्तों इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया, जितने भी फोल्डेबल स्मार्टफोन है चाहे वो सैमसंग के, वीवो के या ओप्पो के अपने खुद के, भाई उन सब में सबसे ज्यादा लाइटेस्ट वेट है, यानी इसका कम तरीन वजन है फोल्डेबल स्मार्टफोन में। दोस्तों तकरीबन 230 से 235 ग्राम इसका वजन बनता है, जो कि काफी ज्यादा कम है फोर लेवल फोन में। एज आम जो हमारे पास एंडसेट स्मार्टफोन होते हैं 6.7 इंचेस के या 6.8 इंचेस डिस्प्ले के साथ, भाई उनका वजन होता है 190 ग्राम टू 100 ग्राम। तो उससे सिर्फ 20 या 30 ग्राम ज्यादा होना दोस्तों बहुत बड़ी बात है। दो फोन का एक साथ होना फोर लेवल में ऐसा ही है, और उसका वजन 230 होना बहुत ज्यादा कमाल बात है। इसमें काफी ज्यादा पार्ट्स मूव किए गए जिसकी वजह से इसका वजन कम है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तानी मार्केट में इसकी प्राइस बन रही है 2.5 लाख रुपए, जबकि इंडियन मार्केट में 92,000 रुपीज में अवेलेबल है। भाई तीन कलर वेरिएंट्स में आ रहा है, ब्लैक में, व्हाइट में और ग्रीन में। काफी ज्यादा मजेदार लुक है देखने में दोस्तों। ये आईफोन मिनी जैसा लगता है, क्योंकि इसका साइज छोटा, क्योंकि इसमें लाइटेस्ट वजन की वजह से किया गया है, तो बहुत ज्यादा कमाल इसमें लुक आ रही है। भाई सबसे पहले हमारे पास में एंड्रॉइड वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, जो कि एंड्रॉइड 13 इसमें इंस्टॉल किया गया है। लेटेस्ट है, बेहतरीन है, काफी ज्यादा मजे की इसमें प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग से बात आती है तो दोस्तों यहाँ पे इसके चिपसेट वगैरह देखते हैं, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 लगाया हुआ है, काफी ज्यादा फास्ट, जो उसको बेहतरीन मदद करेगा इसकी प्रोसेसिंग में। जीपीयू ग्राफिक्स जरा देखते हैं, 740 भाई इसमें एंड्रो इंस्टॉल्ड है। भाई अब आ जाते हैं मेन बात पे, इसकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है, जब ये फोल्डेबल होता है तो भाई इसकी 7.1 इंचेस की डिस्प्ले स्क्रीन हमारे पास बन रही है एमोलेड के साथ, जबकि इसका आप फ्रंट या कवर आपको उसके करेंगे तो भाई उसमें हमारे पास 5.5 इंचेस की स्क्रीन है, जो कि एज अ सिंगल आप उसको यूज करेंगे। दोनों में स्क्रीन साइजेस का फर्क है। ब्राइटनेस एज हमारे पास यहाँ पे 1550 निट्स की ब्राइटनेस मिली है, पीक पे बेहतरीन है, और हमारे पास 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी अवेलेबल है, काफी ज्यादा बेहतरीन और मजेदार है। आ जाते हैं भाई यहाँ पे इसके मेमोरी के बारे में, रैम और रोम के वेरिएंट्स पे। तो देखा जाए यहाँ पे दो रैम वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है भाई, एक 12 GB का और दूसरा 16 GB का। जबकि स्टोरेज की बात करते हैं तो 256 और 512, जो प्राइस टैग मैंने आपको बताया भाई, वो आपको 12 GB के साथ 256 आता है। जैसे कि आप दूसरे उस पे मूव ऑन होंगे वेरिएंट पे, थोड़ी सी ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगी, 10-15 हजार का ही फर्क आता है। अब आती है भाई इसके कैमरा की बारी, तो भाई सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको ट्रिपल कैमरा मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा मजेदार है। फोल्डेबल स्मार्टफोन में कैमरा पे इतना ज्यादा काम किया है, तो ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बात है। ट्रिपल कैमरा हमारे पास ट्रिपी लुक के साथ अवेलेबल है। मेन कैमरा 50 MP का है दोस्तों भाई, वो वाइड कैमरा है, साथ OIS भी अवेलेबल है, काफी ज्यादा मजेदार इमेज स्टेबिलाईजेशन मिलेगी। सेकेंड कैमरा टेलीफोटो है, जो कि 32 MP का है। तीसरा दोस्तों हमारे पास है 48 MP का, जो कि एज अ अल्ट्रा वाइड जियो टैगिंग पैनोरामा फेस डिटेक्शन HDR डिफरेंट फीचर्स के साथ भाई ये बनाए जो हैसलबैंड में, जो कि हमेशा इनसे ही बनाते हैं ओप्पो। और भाई ये भी कि इसमें कलर कैलिब्रेशन भी अवेलेबल है। वीडियो रिकॉर्डिंग रेट भाई यहाँ पे 4K दिया गया, मगर 60 FPS के साथ। ये काफी मजेदार बात है, क्योंकि 4K में ज्यादातर लोग 60 FPS नहीं देते, 30 FPS में कंपनी काम चला देती है, मगर इन्होंने 4K में 60 FPS अवेलेबल है। 1080p में करेंगे FPS रेट डबल हो जाएगा। जबकि दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें, सिंगल कैमरा 32 MP का, मगर यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग रेट ने थोड़ी मार खा ली है भाई, यहाँ पे 1080p का 30 FPS के साथ मिला। जब फ्रंट में बैक 4K दिया था, तो चाहिए था इनको कि हमारे पास यहाँ पे फ्रंट में भी हमें 4K देते, बैक में 4K, यहाँ पे 4K होना चाहिए था, मगर ठीक है। मगर इतना कोई आपके हाई क्लास रिजल्ट आपको वीडियो रिकॉर्डिंग रेट फ्रंट से नहीं मिलने वाला। बैटरी टाइमिंग पे आ जाते हैं, तो भाई 4500 mAh की बैटरी हमें मिल रही है, फास्ट चार्जिंग के साथ 67 W चार्जर। अच्छा, फ्लैगशिप किलर में ज्यादातर भाई 100 W से ऊपर ही दिया जाता है चार्जिंग स्पीड, यहाँ पे 67 पे रखी है, जो कि फ्लैगशिप की बनती नहीं है, कम से कम भी 88-90 W तो होनी चाहिए थी, जो कि फ्लैगशिप को टच एबल होती। शायद फोल्डेबल स्मार्टफोन है, इस वजह से इन्होंने इसकी फास्ट चार्जिंग नहीं रखी, ये भी रीजन हो सकती है। भाई कंपनी क्लेम कर रही है 0 से 100 तक फोन सिर्फ और सिर्फ आपके पास 42 मिनट्स में चार्ज होगा, मगर हमारी टेस्टिंग के मुताबिक भाई ये 44-46 में चार्ज हो रहा है,
कि भाई फोल्डेबल स्मार्टफोन है तो डबल स्क्रीन यूज हो रही है, अंदर की फोल्डेबल भी और भाई जो मेन ग्लास है वो भी यूज हो रहा है। और दोस्तों इसका फ्रंट बैक ऑल ओवर ग्लास लुक ही दिया गया, तो इसको थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा, मगर उसके भी उन्होंने भाई साथ इसकी प्रोटेक्शन फुल दी हुई है। विक्टस ग्लास में गोरिल्ला मौजूद है, जिससे आपको काफी मजेदार टॉप अगर आप छोड़ेंगे भी ऊपर से तो कोई इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है। कमाल का फोन है यार। वीडियो अच्छी लगे लाइक तो को मिलती है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।